हेलो गाइस, आज हम ये देखिए बीन्स की सब्जी बना रहे हैं, जिसमें आलू, बीन्स और प्याज है, और ये देखिए मेथी, जीरा और ये राई है। पहले हम डालेंगे मेथी को, उसके बाद हम डालेंगे ये जीरा और ये राई को। उसके बाद गाइस हम ये प्याज को ये आग पर ब्राउन होने तक करेंगे इस तरह से। गाइस ये देखिए, प्याज को हमने जो है ब्राउन होने तक जो है भूनना है, थोड़ा सा इसको हल्का ब्राउन करना है प्याज को। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये ब्राउन हो गए प्याज हल्के हल्के। तो ऐसे टाइम में हम इसमें अब ऐसा करेंगे, ये बारीक बारीक जो हमने आलू डाले काट रखे थे कच्चे, वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। इन्हें भी हमें धीमी आंच पे ही पकाना है, जब तक ये गोल्डन टाइप के ना हो जाए, मतलब हल्के ब्राउन ना हो जाए, पहले हमने यही डालना है, बाद में सब इसलिए डालनी है मसाले वगैरह इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब ये थोड़े से गोल्डन हो गए हैं आलू। तो उसके बाद मैंने ये एक टमाटर लिया है, इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सब लिया है गाइस। ये देखिए, इसको अब ऐसे चलाना है हल्के हाथ से। और इसके ऊपर से ये हमने अब ये जो बीन्स काटी थी ये डाल देंगे इस तरह से। इसको गाइस इसको चलाना नहीं है, क्योंकि आलू एकदम करारे हो जाएंगे नीचे। उसके बाद इसको 10 मिनट बाद हमने चलाना है, तब तक ये थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे हल्के उसमें। ये देखिए गाइस, अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, अलग ही टेक्सचर। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा, एकदम डिफरेंट तरह की सब्जी। इस तरह से गाइस इसे आप पूरी रोटी किसी के साथ भी खाइएगा गाइस। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, राधे राधे।